नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा एक बार फिर प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कथक नृत्य में घुंघरू कैसे पहने, क्योंकि बिना घुंघरू के तो हम डांस कर ही नहीं सकते। लेकिन कई बार हमारे घुंघरू बहुत लूज हो जाते हैं ऑन स्टेज या क्लास में भी, तो छोटे छोटे से पॉइंट है जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे घुंघरू ना तो लूज होंगे, ना टाइट होंगे, ना वो खुलेंगे। तो आइए सीखते हैं कि घुंघरू को कैसे पहने। देखिए, घुंघरू के दोनों तरफ ये इतनी इतनी रस्सियां छोड़ी जाती हैं, ठीक है। आपके पास जो घुंघरू होंगे उसमें भी दोनों तरफ बराबर बराबर इक्वल इतनी इतनी रस्सियां छोड़ी हुई होंगी। आपने लेगिंग वेयर की है, चूड़ीदार जो भी वेयर किया हुआ है, उसका ये वाला जो पॉइंट होता है इसको अपने एंकल के नीचे दबा लिया, उसके बाद सारी चूड़ियों को ऊपर कर लिया और इसको बिल्कुल प्लेन कर लिया। इसके बाद अपनी रस्सी ली, यहां पे ये जो एरिया होता है आपका, यहां पे इसको रखा और इसके बाद टाइट तरीके से दो तीन बार अपने अंगूठे पे आपने इसको लपेट लिया जिससे ये लूज ना हो। और फिर ध्यान रखना कि घुंघरू बांधते वक्त ये घुंघरू ऊपर की साइड नहीं होने चाहिए, अगर ये ऊपर की साइड होंगे तो ये आपके पैर में चुभेंगे, इसलिए इनको नीचे करें और फिर पकड़ते हुए रस्सी को खींचते हुए आराम से सारे घुंघरू नीचे करते हुए इसको इस तरीके से आपको लपेटते जाना है। जब एक सर एक राउंड हो जाए तो हल्का सा इसको नीचे की तरफ आप पुश कर दें, फिर से चेक करें कि कोई भी घुंघरू उल्टा तो नहीं है, अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ रहा है, अदरवाइज वो आपको रियाज के टाइम पे परेशान करेगा। ध्यान रखना कई बार हम गलती करते हैं कि एक सर्कल ना बनाएंगे फिर ऊपर, इससे भी घुंघरू लूज हो जाते हैं। तो आपके घुंघरू के बीच में ये जितनी भी लाइंस, जितने भी राउंड्स हो रहे हैं आ रहे हैं, इनके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, इससे घुंघरू देखने में भी सुंदर लगते हैं। फिर से आपने इसको नीचे की तरफ पुश किया, ध्यान रखना यहां से भी ये रस्सी लूज ना हो पाए, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइट रखिएगा। फिर से इसको नीचे पुश किया, आप देखिए ये लास्ट बचा एक सर्कल और लेके इसको नीचे से पुश कर दिया। इसके बाद ये जो रस्सी हमने अपने अंगूठे पे लपेटी थी इसको खोला, अब अपने यहां से घुंघरुओं के बीच में से इस रस्सी को इस तरीके से निकालना है। हाँ, ये देखिए मैंने यहां से इस रस्सी को निकाला है, इससे आपके घुंघरू कभी भी लूज नहीं होंगे। इनके थोड़े बहुत लूज हो भी जाते हैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं खुलेंगे। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा रस्सी है उसमें अभी नोक ना लगाएं, सिर्फ उसको घुमाते रहें। घुमाने के बाद सिंगल नोक लगाई, हल्का सा टाइट किया। ध्यान रखिएगा जो फ्लावर वाली नोट हम बनाते हैं उससे घुंघरू के खुलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए कभी भी वो फ्लावर वाली नोट ना बनाएं, सिंपल गांठ लगाएं, उसके बाद एक और गांठ लगाएं, बची हुई रस्सी को इस तरीके से देखिए ऐसे अंदर की तरफ इसको आप डाल दें और इसको यहां से फिर इसको हल्का सा नीचे पुश किया। जो बची हुई लगी है इससे जितनी भी रस्सी आपकी दिख रही है उसको कवर कर दें और जो आपने नीचे दबाई थी इसको भी वापस ऐसे कर लें। ये देखिए अब आपके घुंघरू दिखने में बिल्कुल ऐसे ही एक साथ सुंदर लगेंगे, ना तो रस्सी लटकी हुई आएगी ना ही रस्सी कहीं दिखेगी। तो घुंघरू बहुत, देखो मैं दिखाती हूँ खड़े होके, ये देखिए कहीं भी कोई रस्सी नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल घुंघरू का आज इतने से सुंदर सा बंच बना हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से घुंघरू बांधिएगा और ध्यान रखिएगा कि फ्लावर वाली नोट बिल्कुल भी नहीं बनानी है, अदरवाइज वो
डांस करते वक्त प्रयास करते वक्त लूज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से घूंगू बांधिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।